हाय गाइस, वेलकम टू प्रिंट साइड। मैं आपका होस्ट रणवीर, और आज जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं ये ऑल अबाउट हाफ टोन। सो हाफ टोन क्या है? अभी ठीक, ये सारा जो इमेजेस आप देख पा रहे होंगे ये हाफ टोन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक रियलिस्टिक इमेज को कैसे हम लोग डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा प्रिंट कर पाए। तो आज का जो वीडियो है, हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे आपको एक हाफ टोन को एडिट करना है, कैसे आपको उसको आर्ट वर्क को रेडी करना है और प्रिंट आउट देना है। ये प्रिंटिंग का वीडियो नहीं है। अगर प्रिंटिंग का आपको वीडियो देखना है हाफ टोन का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और हम लोग प्रिंट भी किए हैं उसका भी वीडियो देखिए। आज का वीडियो है सिर्फ कैसे हाफ टोन को एडिट करना है और आर्ट वर्क को रेडी करके प्रिंट आउट के लिए रेडी करना है और प्रिंट आउट देना है। तो गाइस, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर फास्टर नोटिफिकेशन। और अगर आपको भी कोई स्क्रीन प्रिंटिंग का या टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना हो, या आपको कोई भी क्वेरी हो, स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग के वेबसाइट में जा सकते हैं printsite.com। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाफ टोन के लिए हम लोग ने ये इमेज लिया है। ये एक रियलिस्टिक इमेज है जो हम लोग हाफ टोन में क्रिएट करेंगे। अभी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, जूम करके देखिए, ये वेक्टर इमेज नहीं है जहाँ पे कलर्स अलग अलग है, जहाँ पे इमेजेस अलग है आप प्रिंट कर पाए। ये बिल्कुल वेक्टर इमेज नहीं है। जो यहाँ पे बहुत सारे शेड्स और ये है अलग, मतलब कलर्स एक नहीं है। तो ये रियलिस्टिक इमेज है और इसको हम लोग को हाफ टोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रिंट के लिए। तो गाइस पहले बता दें, हाफ टोन ब्लैक एंड वाइट होता है और ये कलरफुल नहीं होता है। तो ये सिंगल कलर हाफ टोन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बनाएंगे कैसे आपको CMYK एडिटिंग करना, कैसे स्पॉट कलर एडिटिंग करना, सिमुलेटेड कलर्स कैसे एडिटिंग करना होता है, वो सब आ जाएगा आपका कलरफुल वीडियो में। कलर प्रिंट आउट मतलब मल्टी कलर प्रिंट आउट क्यों है, ये जो है सिंगल कलर का हाफ टोन कैसे बनाना हो आपको। तो गाइस चलिए, आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए फोटोशॉप का, आपको ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद आप इमेज को इसके ऊपर ओपन कर लीजिए। करने के बाद मैक्सिमम जो इमेजेस होता है, मैक्सिमम जो आप देख पाओगे जो इमेजेस है और डाउनलोडेड इमेजेस है, नहीं तो कोई आपके क्लाइंट ने इमेज दिया होगा आपको कि भाई इसको प्रिंट आउट करना है, तो मैक्सिमम इमेजेस RGB फॉर्मेट में होता है। तो और हम लोग प्रिंटिंग फॉर्मेट में क्या है, CMYK फॉर्मेट। तो हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट आउट करते हैं, RGB में नहीं करते। तो क्या है, पहले हम लोग को ये RGB फॉर्मेट का जो इमेज है, इसको इमेज टैब में जाना है। आपको जाके इमेज टैब में जाके आपको मोर में जाना, जाके आपको पहले CMYK में कन्वर्ट करना। तो गाइस इसको CMYK में कन्वर्ट कर लेते हैं। इमेज अभी RGB से CMYK पे कन्वर्ट हो गया, ज़्यादा कुछ फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये CMYK में कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोग इसको हाफ टोन के लिए ब्लैक एंड व्हाइट बनाएंगे, क्योंकि हाफ टोन के लिए ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जरूरी है, कलर इमेज काम नहीं करेगा। तो ग्रे स्केल में डबाएंगे, तो ग्रे स्केल पे दबाएंगे क्लिक को और ग्रे स्केल कर लेंगे इसको। देखिए इमेज ग्रे स्केल हो चुका है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में। आप इसको जूम करके देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो गया। अभी हम लोग इसको हाफ टोन में कन्वर्ट करेंगे। अभी भी देखिए, अभी भी इसको आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एक्सपोज करने का जगह आपका है नहीं, अभी शेड्स वगैरह बहुत है। तो पहले आप इमेज में जाएंगे, ये ऊपर का जब आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट करोगे
तो आपका जो ऊपर का जो ये ऑप्शन निकल आएगा बिट मैप, याद रखिए दोस्तों बिट मैप में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो मेथड में आपको हाफ टोन स्क्रीन चूज करना है, और जो आउटपुट है आपको 300 पिक्सल का आउटपुट रखना है। इसको ओके दबाइए। अभी ये आपका हाफ टोन का नया एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप 45 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। और बहुत सारे लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखते हैं, हम लोग 60 ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो ये एंगल है, ये एंगल हम लोग हाफ टोन के लिए 45 यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको, अगर आपको एडिटिंग के जानकारी है, आप अच्छे खासा एडिट आपका, तो अलग सब अलग अलग में आप ट्राई कर सकते हो, 22.5 वगैरह वगैरह आपको अलग अलग में आप ट्राई कर सकते हो। हम लोग बेसिकली हाफ टोन करना हो तो हम लोग यही यूज़ करते हैं, 60 फ्रिक्वेंसी 45 एंगल। और यहाँ पे शेप भी दे सकते हो आप, राउंड, डायमंड, इक्लिप्स वगैरह वगैरह, हम लोग मैक्सिमम राउंड में ही प्रिफर करते हैं। तो अब इसके ऊपर ओके दबाइए। तो गाइस आप देखिए आपको इतना फर्क नहीं पता चला होगा, अब इसको जूम करके देखते, देखिए देखिए ये सारे के सारे डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो एक बार डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको आराम से प्रिंट आउट लेके स्क्रीन प्रिंटिंग कर पाओगे, और ऐसा ही इमेज आपको प्रिंटिंग में दिखाई पड़ेगा। डिपेंड्स द मैश, आप कौन सा मैश यूज़ कर रहे हो। आपको हाफ टोन प्रिंट आउट एक्सपोजिंग के बाद मैश का भी बहुत ज़रूरी होता है, कि आप 305 यूज़ कर रहे हो या 230 मैश यूज़ कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, कलर्स एंड मटेरियल। आप पेपर में कर रहे हो, गारमेंट्स में कर रहे हो, तो गाइस देखिए दूर से तो आपको नॉर्मली लग रहा है, लेकिन आप इसको अगर आप जूम करोगे तो आपको बहुत सारे माइक्रो डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। ये है हाफ टोन का डॉट्स, और ये ही आपको एक्सपोज करना है। और गाइस और एक चीज़ बता दें आपको, हाफ टोन के लिए आपको यूवी एक्सपोजिंग यूनिट बहुत ही, मतलब यूवी एक्सपोजिंग यूनिट और अच्छा फिल्म प्रिंट आउट एक मैंडेटरी टाइप का लेके चलिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होता है एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट्स है वो बहुत ही माइनोर डॉट्स है जो थोड़े में ही टूट जाते हैं। और फिल्म, जो फिल्म प्रिंट आउट है आप एक्सपोजिंग के लिए यूज़ करते हो, बहुत ही हाई पिच ब्लैक होना चाहिए। उसके लिए अगर आप कोई रिप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो और ही अच्छा है। हम लोग तो रिप सॉफ्टवेयर प्रिंट करते हैं, अगर रेगुलर सॉफ्टवेयर प्रिंट करते हो, या देखिए इंजेक्ट फिल्म इज प्रिफरेबल, इंजेक्ट फिल्म ले सकते हो, और पिच ब्लैक में प्रिंट करना है, और आपको यूवी एक्सपोजिंग यूनिट चाहिए। और दोस्तों अभी जो ये आप देख पा रहे हो, जो हमने कन्वर्ट किया, ये हो गया पॉजिटिव हाफ टोन। तो पॉजिटिव हाफ टोन मतलब आप इसको सिर्फ व्हाइट गारमेंट या लाइट कलर गारमेंट्स पे ही प्रिंट कर पाओगे। अगर आप इस पे डार्क कलर के लिए आपको निगेटिव हाफ टोन बनाना पड़ेगा। तो निगेटिव हाफ टोन क्या होता है, पॉजिटिव का उल्टा, रिवर्स। अगर आप ब्लैक कलर टी शर्ट पे प्रिंट कर रहे हो तो आपको निगेटिव हाफ टोन, आपको मतलब आपको निगेटिव हाफ टोन आपको ये होना पड़ेगा, और अगर वो प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। अगर आप लाइट कलर में कर रहे हो तो आपको वाई, आपको पॉजिटिव हाफ टोन में प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। निगेटिव हाफ टोन करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+I। देखिए दोस्तों ये हो गया निगेटिव प्रिंट आउट। अगर आप डार्क कलर गवेल में कर रहे हो आपको निगेटिव हाफ टोन में प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। आप देखिए इसको भी जूम करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे भी डॉट्स वगैरह है, ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आप जब प्रिंट आउट होगा, आप डार्क कलर गवेल में प्रिंट करोगे, इट विल जस्ट परफेक्ट जैसे आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस फॉर व्हाइट कलर गार्बल्स और लाइट कलर गार्बल्स पॉजिटिव हाफ टोन, और डार्क कलर गार्बल के लिए निगेटिव हाफ टोन। और गाइस अब इसको प्रिंट आउट करते हैं। प्रिंट आउट करने के लिए Ctrl+P दबाते हैं। दबाने के बाद जब भी आप प्रिंट आउट करोगे, आपको प्रिंट सेटिंग्स में जाना है। प्रिंट सेटिंग्स में जाके ये जो आपका पेपर है, अगर आप इंजेक्ट फिल्म यूज़ कर रहे हो तो प्लेन पेपर यूज़ कीजिए, कोई भी फिल्म प्लेन पेपर ही भी अच्छा होता है। और सेटिंग्स में जाके हाई से भी ऊपर जो मोर सेटिंग्स होता है उसको दबाइए, इसको क्वालिटी को सबसे हाई कीजिए, और उसके ऊपर ओके दबाइए। दबाने के बाद इसको
बोर्ड ऑप्शन में जाइए, अगर आपके पास एप्सल प्रिंटर है, हम लोग का एप्सल प्रिंटर है इसलिए आपको एप्सल का ही दिखा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के पास एप्सल ही होता है जो स्क्रीन प्रिंटिंग या टी शर्ट प्रिंटिंग या बाकी स्क्रीन प्रिंटिंग के मार्केट में है। तो अभी देखिए, अगर बोर्ड ऑप्शन में जाके हम लोग हाई स्पीड को हटा देंगे और इसको ओके दबा के प्रिंट दे देंगे। तो यही है दोस्तों, आपको प्रिंटिंग के लिए ये हाई स्पीड को हटाना है और आपको उसको ओके दबा के प्रिंट आउट दे देना है। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको नेगेटिव पॉजिटिव हाफ टोन लेना हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, आज के लिए वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो देट जिसका रिक्वायरमेंट है वो सीख पाए, और ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। कुछ भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम लोग को बताइए, हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज से स्टे ट्यून्ड, सी यू सून एंड stay safe.